वेलकम बैक टू स्पीड गैराज गाइस। आज की वीडियो कार मॉडिफिकेशन रिलेटेड रहेगी। आज हम 2014 बीट में एग्जॉस्ट का मफलर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। HKS का मफलर है ये हमारा। मार्केट में इजीली आपको ये 1000 रुपये का अवेलेबल हो जाएगा। वैसे 600 रुपये के भी आते हैं। इसकी थोड़ी क्वालिटी बढ़िया है और ये थोड़ा साउंड चेंजर का भी काम करता है, इसलिए ये 1000 रुपये का अमेज़ॉन पे भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको इसको इंस्टॉल करने का करेक्ट प्रोसेस बताऊंगा। इंस्टॉल करने से पहले अभी मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर कार की साउंड दिखाता हूँ एंड कार के लुक दिखाता हूँ। कार हमने अपनी स्टार्ट कर ली है और ये रहा हमारा स्टॉक एग्जॉस्ट। इसमें भी हमने ये इंस्टॉल करना मफलर, HKS मफलर है हमारा ये। अब मैं आपको इसकी साउंड चेक कराता हूँ। कार के आप साउंड सुन ही सकते हैं। अब ये मफलर इंस्टॉल करने का टाइम आ गया। इसकी जो इंस्टॉलेशन रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड इजी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा स्लेंसर जो है ये गोल है और इसमें भी ये हमारे पास दो बोल्ट्स लगे हुए हैं। इनको हमने पहले लूज़ करके ऐसे खोल लेना, उसके बाद सिंपली जस्ट यहाँ ऐसे लगा देना। उसके बाद ये जो दो हमारे स्क्रूज हैं इनको टाइट कर देना। ये हमने दो स्क्रूज जो थे इसके जो दो बोल्ट हमने बिल्कुल लूज़ कर लिए। इसके बाद इसकी हम पोजीशनिंग देखेंगे क्या रखनी है। ये जो हमारे इसके पीछे बना हुआ है ये साउंड चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्ले करता है रोल। ये सिंपली बस आपने ऐसे लगाना और ये दो हमारे जो रिंग इनको टाइट कर देना। आप यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही यहाँ लगा देते हैं, आपने थोड़ा सा पीछे रखना और ये आपको जहाँ कार के लुक आपको बढ़िया लगे वहाँ पर लगाना। जैसे आपको यहाँ अच्छी लग रही है यहाँ लगाना, इसको अंदर करने का अच्छा लग रहा है अंदर लगाना, हम यहाँ पे लगाएंगे। बोर्ड सब हम टाइट कर लेंगे दोनों तरह से साइमल्टेनियसली। इसके बाद इसमें हमारी 10 नंबर की चाबी यूज होती है। दोनों साइड से आपने इक्वली टाइट करना। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका है और हमारा ये जो HKS का मफलर था ये एकदम परफेक्टली हमारा टाइट हो चुका है। ये किसी गड्ढे वगैरह में जाके भी नहीं निकलेगा। अब आप नीचे देख सकते हैं मैं ये हिला रहा हूँ, पूरा हमारा स्लेंसर ही हिल रहा। अब मैं आपको कार स्टार्ट करके इसका रिस्पॉन्स चेक कराता हूँ। जैसा कि आप सुन ही सकते हैं कि हमारी कार की जो आवाज़ थी वो एकदम स्पोर्टी हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, इसमें हमको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो बी श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे न्यू मॉडिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।